हाय केलिंग फैमिली मेंबर, मैं डॉक्टर प्रणब कुमार राय बोल रहा हूँ। आज मैं बोलूँगा कोरोना वायरस को लेके। कोरोना वायरस क्या है, कैसे फैलते हैं, इसका बारे में पूरा जानकारी आपके पास है, और इसके साथ साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके पास है। सो आप सब केलिंग मेंबर है, तो इसलिए केलिंग के तौर से मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। अभी ये कोरोना वायरस जो हम लोग इंडिया में जिस स्टेज पे है, अगले कुछ वीक में ये बहुत ज़्यादा फैल सकता है, और हम लोग अगर पैनिक ना हो के रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो इसको हम लोग रोक सकते हैं। क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत हाई है। एट द सेम टाइम इंडिया का कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ये कॉमन प्रॉब्लम है। साथ में डायबिटीज, कार्डियक प्रॉब्लम, इस तरह की बीमारियों का पेशेंट हर घर में है। तो इस टाइम हम लोगों को थोड़ा रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। देखिए, गवर्नमेंट का जो हेल्थ का गाइडलाइन है वो आप सभी जानते हैं, इसका बारे में चर्चा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और कोरोना वायरस का सिम्टम, ये सारी चीज़ आपका पास ऑलरेडी जानकारी है। तो इस टाइम गवर्नमेंट का सारे गाइडलाइन, जितना सारे इनिशिएटिव है, सारे इनिशिएटिव में हम लोग 100% फॉलो करना ज़रूरत है हम लोगों के फैमिली के लिए। हो सकता है आप यंग है, लेकिन आपका फैमिली में बहुत सारे बुजुर्ग और पेशेंट घर में है, तो हर कोई अगर अपना फैमिली के लिए स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन फॉलो करेंगे, तो इसका जो चेन है, हम लोग जानते हैं कोरोना वायरस का जो चेन, फैलने का जो चेन, इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ले लिया। कैसे आपका अंदर कोरोना वायरस ना आए, इसके बारे में आप कैसे कॉन्टेमिनेटेड ना हो जाए, इसके लिए बहुत सारे आप लोग टेक्निक जानते हैं। और आप केलिंग फैमिली मेंबर है, लकी है, तो केलिंग में हम लोगों का और एक चीज़ है, जो मान लीजिए बाहर से अंदर नहीं आ रहा है, ये रोक आपने लगा लिया, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कर सकते हैं, आपका घर में हर किसी को कर सकते हैं, खास करके अंदर से आपका जो प्रोटेक्शन, इम्यून सिस्टम, उसको बहुत मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक्सपोजर में भी आएंगे तो अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपका माइल्ड अटैक या अटैक नहीं होगा, इस तरह की हो सकता है। तो हर कोई अपना इम्यून सिस्टम के ऊपर, केलिंग का स्पेशली, केलिंग डिस्ट्रीब्यूटर में हम लोग बहुत लाकी है। मैं बोलूँगा हम लोगों का पास बहुत सारे यूनिक सप्लीमेंट है जो हम लोगों का इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। तो इसका बारे में सोचना बहुत ज़रूरत है, हर मेंबर के लिए ये इम्यून सिस्टम बूस्ट करने का सिस्टम हम लोगों को लागू करना चाहिए। लास्ट 2 डिकेड्स वर्ल्ड वाइड केलिंग पॉपुलर है इस तरह की बहुत यूनिक सप्लीमेंट के लिए। तो इस टाइम खास तौर के कौन सा सप्लीमेंट हम लोगों के लाभदायक होगा, हम मेंबर लोग अपना फैमिली में यूज करेंगे, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। नंबर 1, के एजमो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लंग्स, स्पेशली लंग्स का फ्रेजल टिश्यू को रिपेयर करता है, और इंटर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा कर देता है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रेंथन होता है। आप जानते हैं कोरोना में मेन हम लोगों का मेन अटैक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसलिए घर में हर मेंबर को दिन में 2 गोली रेगुलर चालू कीजिए। साथ में हम लोग का और एक पावरफुल प्रोडक्ट, वो है प्रोपोलिस प्लैटिनम। आप जानते हैं ये एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, ये डायरेक्टली आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। आपने बहुत बार इसका इस्तेमाल किया, लेकिन दिस टाइम आपका घर में हर मेंबर को 10 किलो बॉडी वेट के लिए 1 ड्रॉप दिन में 2-3 बार ये प्रोडक्ट जरूर जरूर दीजिए। इसके साथ मैं बोलूंगा के लाइट में है एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा, जो हम लोगों का क्या करता है, वायरस को मल्टीप्लीकेशन में रोकता है, और उसका एक्शन को रोकता है और लीवर फंक्शन को एनहेंस करता है। ये आपके घर में हर मेंबर के लिए दिन में 2 गोली बहुत ज़रूरत है। और जो चाहिए न्यूट्रिशियस फूड की तरफ से, एल्कलाइन फूड की तरफ से बॉडी का सख्त ज़रूरत है, वो है के लिक्विड क्लोरोफिल, हाई एल्कलाइन फूड। 1 ग्लास गर्म पानी में सुबह 1 कप, शाम 1 कप, ये दिन में 2 बार जरूर दीजिए। तो हम लोग अभी केलिंग का के लोग क्या कर सकते, बाहर का गवर्नमेंट का गाइडलाइन, बाहर से आपका अंदर आना ये रोक दिया, और ये प्रूवन प्रोडक्ट जो आपने बहुत बार इसके पहले यूज कर चुका है, इसका लाइफ भी ले चुके हैं, दिस टाइम ये प्रिवेंशन के लिए यूज करके आपका बॉडी का स्टेमिना एंड इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके, स्ट्रांग करके ये जंग को आप जीत सकते हैं। तो जब जंग स्टार्ट हो गया, इस टाइम आप प्रिपेयर रहिए, आपका एनिमी अंदर ना आए, उसके लिए एक गार्ड वॉल, और अंदर से आपका सेना, जो आपका इम्यून सिस्टम, उसको पावरफुल बना के फाइट करने के लिए रेडी हो जाइए। फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए, हेल्दी हैप्पी लाइफ लीड कीजिए। थैंक यू,
ये वीडियो आपका फ्रेंड्स रिलेटिव नेबर को शेयर कीजिए, उनको भी इसका लाभ उठाने का मौका दीजिए। ऑल द बेस्ट।